हाउ ओवर सैनिटाइजेशन कैन डैमेज द इकोसिस्टम। तो मैं हूं आपका होस्ट हरप्रीत सिंह और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक आपके साथ जो शायद ही किसी ने आपके साथ डिस्कस किया होगा। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, मास्क हर कोई यूज़ कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है, सैनिटाइजेशन कर रहा है, मींस सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब तो मास्क शायद मजाक सा लगना शुरू हो गया है और सैनिटाइजर्स का यूज़ भी एक मजाक सा बन गया है। तो जैसे जैसे हर कंट्री को पता चलना शुरू हो गया कोरोना वायरस के बारे में, तो उसके अगेंस्ट जो स्टेप्स लेने शुरू किए, तो उसमें मेन स्टेप सबसे जो इम्पॉर्टेंट था वो था सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन अपनी पर्सनल सैनिटाइजेशन की मैं बात नहीं यहाँ पे कर रहा, मैं उस सैनिटाइजेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने कुछ वीडियोज़ में देखा होगा। जैसे कि यह सबसे पहले स्टार्ट हुआ चाइना से। चाइना में उन्होंने कुछ ट्रक्स, कुछ व्हीकल्स को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, उनको स्प्रे जेट्स लगाकर, स्प्रे पंप्स लगाकर एक स्प्रेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये ऐसे स्प्रेयर्स थे जो हज़ारों गैलन ऑफ सैनिटाइजर्स एक दम में, एक झटके में किसी भी जगह को वो सैनिटाइज कर सकते थे, इतनी कैपेबिलिटी थी। तो इसको देखते हुए बाकी कंट्रीज़ ने भी शुरू करने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस को अपना बहुत फास्ट किया। हम इंडिया में बैठ के उन स्प्रेयर्स को, उन ट्रक्स को देख के हैरान होते थे कि यार इंडिया में भी ऐसे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम भी इतनी ज़्यादा लार्ज हैवी क्वांटिटी में सैनिटाइजेशन कर पाएं। लेकिन ये एक बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा स्टेप है। इतनी हाई लेवल की सैनिटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इसका इकोसिस्टम को नुकसान होने वाला है आने वाले टाइम में। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं समझाने के लिए एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ जो ऑलमोस्ट 99% मेरे व्यूवर्स को पता होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि जो व्यूवर्स मेडिकल स्ट्रीम से नहीं है उनको ये बातें मेरी समझ नहीं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि ये हमारे 10th के सिलेबस के अंदर अंदर की बातें हैं। तो आई होप कि सबको ये बात मेरी समझ आएगी। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हम इकोसिस्टम के बारे में सब जानते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे की इंट्रैक्शन में रहते हैं, वहाँ एक किसी को फ़ायदा देता है, दूसरा किसी को फ़ायदा देता है। तो इकोसिस्टम के जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके बिना इकोसिस्टम का सवाल ही नहीं पैदा होता, इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता, तो ये वो तीन कंपोनेंट्स हैं, वो तीन आस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स, सेकेंड है कंज्यूमर्स और थर्ड है डिकम्पोजर्स। अब हद से ज़्यादा सैनिटाइजेशन का क्या नुकसान होने वाला है आप यहीं से समझिएगा। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि मेनली प्लांट्स आ जाते हैं, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएं, चाहे प्लांट्स लोअर कैटेगरी के चाहे हायर कैटेगरी के प्लांट्स आ जाएं, वो सारे प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब प्रोड्यूसर्स का मतलब ये है जो यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है और इसी एनर्जी को आगे फर्दर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, जैसे कि हम हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे इन प्रोड्यूसर्स से सारी की सारी एनर्जी यूज़ करेंगे अपना इकोसिस्टम आगे चलाने के लिए। लेकिन जब किसी कंज्यूमर की डेथ होगी तो उस कंज्यूमर को फर्दर कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि ये कंज्यूमर मर कर एट लास्ट मिट्टी में ही आएगा, सॉयल में आने वाला है। तो होगा क्या कि ये डिकम्पोजर जो हैं इस डेड बॉडी को, इस कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे और आफ्टर कंज्यूमिंग जितने भी मिनरल्स होंगे उसकी लीचिंग, लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी डेड मटेरियल की जो मिनरल्स होते हैं वो लीक आउट होकर सॉइल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इस कंज्यूमर की लीचिंग करवाएंगे और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वापस सॉयल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ़्लो ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे भी फ़्लो ऑफ एनर्जी है, लेकिन यहाँ क्या है, फ़्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉयल। तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स का जो मेन काम है वो क्या है, मिनरल्स को दोबारा सॉयल तक पहुँचाना ताकि प्लांट्स उसको दोबारा यूज़ करें और इकोसिस्टम एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बन जाए, प्रॉपर वो मेंटेन रहे, सस्टेन रहे। ठीक है जी। तो अब होगा क्या, जैसे कि हम
बेइंतहा सैनिटाइजेशन कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उस सैनिटाइजेशन से, उस सैनिटाइजर्स में है क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो सकता है, बेकिंग पाउडर हो सकता है, या कोई भी नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक सैनिटाइजर हो सकता है जो हम स्प्रे कर रहे हैं टू किल कोरोना वायरस। हम सोच रहे हैं कि हम कोरोना वायरस को किल करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे फंगस बैक्टीरिया जो कि हमारे फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं, जो कि डीकम्पोजर्स का काम करते हैं, वो मरने वाले हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो प्रोसेस है यहाँ से अल्टीमेटली गायब होने वाला है जो अभी हमें नहीं दिख रहा। तो इसके जो बैड हार्मफुल इम्पैक्ट्स आने वाले हैं वो आने वाले टाइम में क्या होंगे, सबसे पहला सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, और इसके अलावा सेकेंडरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कोरोना वायरस तो भूल जाइए, इतनी भयानक डिजीज़ आ सकती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये डीकम्पोजर सिर्फ किसी डेड बॉडी को कंज्यूम नहीं करते, इनमें फंगस हैं, बैक्टीरिया है, विच ऑल्सो कंज्यूम हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरसेस, बाकी हार्मफुल माइक्रोब्स को भी वो कंज्यूम करते हैं। तो अब क्या होगा, ये स्टेप यहाँ से गायब होने की वजह से सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, और उसके साथ कुछ ऐसी डिजीजेस आ सकती हैं जो शायद हमने कभी फ्यूचर में सुनी भी ना हो। अब ये बेवकूफ़ी भरा स्टेप लिया था चाइना ने, और बाकी कंट्रीज़ भी इसको देख के शुरू हो गई। ऐसा ही एक बेवकूफ़ी भरा स्टेप चाइना ने 1958 में लिया था, इस मार्च को उन्होंने नाम दिया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें उन्होंने टोटल 4 ऑर्गेनिज़म्स को मारने का जिम्मा उठाया था। उसमें मॉस्किटोज थे, फ्लाइज थे, रैट्स थे, और फोर्थ था स्पैरोज को उन्होंने बहुत ही हाई लेवल पे मारना शुरू किया। तो उसका इम्पैक्ट उनको आने वाले 2 साल में पता चल गया, और इतना हार्मफुल इम्पैक्ट आया उसका कि आने वाले 2 साल में ही चाइना में अकाल पड़ा, और इतना ज़बरदस्त अकाल पड़ा कि बहुत हज़ारों की तादाद में मौतें हुई चाइना में ड्यू टू लैक ऑफ फूड, और ये प्रोजेक्ट उनको 1960 तक बंद करना पड़ा। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ चाइना हमेशा करता आया है, ये इतिहास है, और उसको देख के बाकी कंट्रीज़ ने भी ऐसा काम करना शुरू कर दिया है जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि जो जितने भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो इन बातों को क्यों नहीं सोचते और इसके अगेंस्ट आवाज़ क्यों नहीं उठाते। आई होप कि आप सब इस बात को आज समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि ओवर सैनिटाइजेशन इज डेडली, ये आने वाले टाइम में बहुत भयानक रिजल्ट्स लेके आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर उस साइंस फील्ड के बंदे के पास पहुँचे, हर साइंटिस्ट इस वीडियो को देखे और कुछ स्टेप्स वो भी ले जो शायद हम नहीं ले सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।